नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया विष्ट। नोएडा पुलिस एल्विश यादव मामले में नए नए खुलासे कर रही है। पुलिस को आरोपियों में से एक राहुल की निशानदेही पर अहम सुराग हाथ लगे हैं, जहां नोएडा पुलिस ने दो कोबरा सांप फिर से रेस्क्यू किए। दावा है कि रेव पार्टी में लेकर जाने के लिए दो कोबरा तस्करी कर लाए गए थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एल्विश यादव मामले में अहम सुराग बरामद किए हैं। इस मामले में आरोपियों में से एक राहुल की निशानदेही पर पुलिस को दो और कोबरा सांप बरामद हुए, जहां राहुल की रिमांड के दौरान नोएडा पुलिस फरीदाबाद के एक गांव पहुंची। दावा है कि रेव पार्टी में लेकर जाने के लिए दो कोबरा तस्करी कर लाए गए थे। इस पर राहुल ने बताया कि ज्यादातर पार्टी फाजलपुर गांव में ही की गई। वहीं पुलिस ने बताया कि बरामद कोबरा सांपों को वन विभाग को सौंप दिया गया है, जहां उनके परीक्षण के बाद फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उधर रिमांड पूरी होने के बाद आरोपी राहुल को पुलिस ने लुकसर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इस गांव से सिंगर फाजलपुरिया का भी कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद पुलिस उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस गांव में आरोपी राहुल यादव का वेयर हाउस था, जहां पर बदरपुर गांव से सांप लाकर रखे जाते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि कुछ प्रजाति के सांप बदरपुर गांव में नहीं मिलते हैं, ऐसे में राजस्थान झारखंड से भी सांप लाए जाते थे। पुलिस की नजर से बचने के लिए इन्हें इसी गोदाम में रखा जाता था। आगे पूछताछ में कई बातें सामने आई। आरोपी राहुल यादव ने बताया कि उसने ज्यादातर रेव पार्टी फाजलपुर गांव में ही की थी। उसके गिरोह के लोग सांपों का जहर निकालते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी राहुल की फिर से रिमांड के लिए आवेदन कर सकती है, क्योंकि उससे और कई अहम जानकारियां मिल सकती है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तक राहुल और एल्विश यादव का आमना सामना नहीं करा पाई है। वहीं सिंगर फाजलपुरिया को भी बुलाया जा सकता है। वहीं पुलिस को राहुल यादव की एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई नाम और पते कोड वर्ड में लिखे हुए हैं। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। पुलिस को अभी तक एल्विश यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस तकनीकी सबूत और सर्विलांस के आधार पर एल्विश और फाजलपुरिया की संलिप्ति के सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब एक बार फिर रिमांड पर लेकर राहुल यादव, एल्विश यादव और फाजलपुरिया को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं पुलिस को अभी तक एल्विश यादव और फाजलपुरिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।